विदिशा में 10 से 20% ब्याज पर कर्ज लेने का गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे ही इन सूदखोरों के चंगुल में फंसकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस जब आरोपियों पर रिपोर्ट नहीं लिख रही तो परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। ये यानी कि इनकी बॉडी में पूरा सब कुछ कर ले चाहे तो सर ये डॉक्टर के सामने बॉडी में काजी में क्या कई चीज़ें वो अपन को साथ और सही जो चीज़ है वो अपन करेंगे, ऐसा वो नहीं है ना। आप लोग सोचो कि जल्दबाजी में वो सब, अभी अपन को जो चीज़ सामने है अपन पहले तीन करा लें। नाम बताइए आपका। नाम जीवन लाल। कौन थे आपके दिया है हमने, आपको कौन थे बेटे थे, कितनी उम्र होगी, क्या हुआ था कल, क्या हुआ, क्या पता है आपको घर पर कौन कौन था, क्या किया है। ऐसा थोड़ा पैसा मैं सुधारने लगा है, मैंने कुछ लोगों को दे दिए तो कुछ माँ भी ले गए थे, सबसे कितने पैसे का लेन देन था, किससे था, किस बात का लेन देन हुआ था। अब दे भी तो नहीं है। अच्छा, बच्चे ने ही किया था, बच्चे क्या जानकारी आपको बताएं। आप जानकारी से मुझे कुछ बता कर नहीं था, एक बार हिसाब कर दिया था बोला लेके छोटे बेटे हो, क्या हुआ बेटा। भैया बोले मेरे से चलो ठीक है, तो मैंने फिर 2:30 बजे फ़ोन लगाया, 2 बजे नहीं उठाया मैंने, तो कभी थोड़े बार सुन लो फिर अपन आ जाते हैं तो उठाई। इसमें आज प्रातः नीलेश जैन बालक है, उम्र 27-28 वर्ष के करीब है, और जिसकी सूचना मिली मृत्यु की, जिस पर से घटनास्थल जाकर SI अरूप नामदेव को भेजा गया, घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया और अभी जिला चिकित्सालय विदिशा में सब परीक्षण इनका कराया जा रहा है। मर्द रजिस्टर्ड है और जांच की जा रही है। इसमें कारण क्या है, इसमें कारण सुसाइड नोट कुछ मिला है उसकी परीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है, जांच के उपरांत जो भी कारण होगा स्पष्ट करके जांच के पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सुसाइड नोट किसके पास से मिला है और इसमें कितने आरोपी इसमें दर्शाए गए हैं। अभी इसकी जाँच चल रही है, सुसाइड नोट अभी जस्ट मिला है, उनके परिजनों ने दिया है और डॉक्टर के द्वारा दिया गया है, तो अब उसका अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन के पश्चात जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नीलेश जैन मेरा साला था, नीलेश जैन एक युवा व्यवसायी था जिसकी मंगलम बुक डिपो के नाम से दुकान थी, उसने कभी कोई थोड़े बहुत लोगों से कुछ पैसे लिए होंगे,
और लेकिन सूदखोरों ने उसे 10% 20% का करके उसे बहुत बड़ी रकम बना दिया, जिसे उसने अपना मकान बेच गिरवी रख के मतलब बैंक से लोन लेके पूरा कर चुका दिया। इसके बावजूद भी उसके जो सूद राशि थी उसके लिए सारे लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे और काफ़ी समय से मतलब वो उसे प्रताड़ित कर रहे थे, चेक भी नहीं दिए थे, चेक भी रख के बैठे थे, कहना कोर्ट में निपटाएंगे। उस व्यक्ति को इतना बच्चे को इतना टॉर्चर किया कि आखिर में उसने सुसाइड कर लिया। बात करेंगे और उससे जी इसमें कौन कौन नाम आ रहे हैं, किन किन के नाम है, थोड़ा सा वो भी स्पष्ट हो जाता थोड़ा। उसमें कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जिसमें एक कोई कमल प्रकाश जैन है, दीपेंद्र जैन है, नरेंद्र रघुवंशी है, नरेश जैन है, और भी कौन कौन के नाम और भी उसमें करीब उसने जो सुसाइड नोट जो छोड़ा है उसमें करीब 15 नाम है, सात नाम है और दोस्तों परेशान। कितनी रकम का अनुमान लगाया सकते हैं? रकम तो बहुत कम थी, उसने तो कभी 1-1.5 लाख रुपए दिए थे उसने 10-10, 20-20 हज़ार करके, लेकिन वो उन्होंने सूदखोरों ने उसको है ना 15-20 लाख रुपए की रकम कर। चलिए बात करेंगे जैन साहब, कल शाम 4 बजे का मामला है और अभी 2 बजने वाले, वजह क्या है कि अभी तक आप लोगों ने उनकी मिट्टी को क्या है कि सूदखोरों का जो प्रेशर है उसके वजह से अभी तक पुलिस प्रशासन ने अभी तक हम लोगों को FIR की कॉपी नहीं दी है। हम केवल यही चाह रहे हैं कि FIR हो और 15 लोगों जिनने उसे प्रताड़ित किया, जिनकी वजह से उसने आज ये आत्मघाती कदम उठाया, उन लोगों का नाम FIR में हो, उन लोगों को सजा मिले। तो अभी लगभग कितने घंटे बीत चुके हैं अभी FIR में? 18-20 घंटे बीत चुके हैं सर।